जय हिंद। मैं हूं प्रेम कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रेम सर द आइडियलाइज। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरा प्रोफाइल का नाम है प्रेम कुमार। तो मैंने कई वीडियो इससे पहले डाला है और आप देखे भी होंगे, कई लोगों ने अच्छा कहा है, उसको सराहा है, वीडियो को शेयर भी किया है। और ये जो वीडियो आपके लिए मैं लाया हूँ, इससे ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है, बल्कि हर एक आदमी के लिए, एक जीवन के लिए खास वीडियो है, उसके स्वास्थ्य के बारे में वीडियो है। इसीलिए आप सबको ये वीडियो बड़ा ध्यान से देखना है और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मैं आज शुरू करता हूँ एक नए वीडियो की शुरुआत में आपको ये बताता हूँ कि आप जो ये देख रहे हैं कि कैंसर आजकल भारत में एक बड़ा रूप ले चुका है। कैंसर बहुत बड़े स्तर पर फैलते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। कैंसर के कई कारण हैं, शराब है, गुटखा है, और भी कई कारण हैं, लेकिन एक कारण आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल अलग है, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि उस वजह से भी आपको कैंसर हो सकता है। और वो गलती हम लोग रोज़ करते हैं, इसीलिए कम से कम वो गलती को अगर हम ना करेंगे तो हम कैंसर नामक बीमारी से बच सकेंगे। तो वो गलती क्या है मैं आपको बताता हूँ। गुटखा खैनी तो अगर आप छोड़ दिए हैं, नहीं खाते हैं, अलग बात है। कई लोग गुटखा खैनी खाते हैं और वो कैंसर के शिकार हो जाते हैं, तो समझ में आता है कि वो कैंसर से पीड़ित हो गए। लेकिन जो जिसने गुटखा नहीं खाया, जिसने खैनी नहीं खाया, जिसने शराब नहीं पिया और वो भी कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं, तो आखिर वो गलती क्या है जिसके कारण वो कैंसर से पीड़ित होते हैं? तो आपको देखिए मैं बताता हूं आपको। आप देखिए, आप सारे लोग जो है इस कप का इस्तेमाल जरूर करते हैं। ये कप पेपर कप कहलाता है। हालांकि इससे कुछ वर्षों पहले हमारा जो कप होता था बाजार में वो प्लास्टिक का मिलता था, लेकिन धीरे धीरे खास करके गर्म चीज़ों के लिए सरकार ने बैंड किया, उसको समझाया गया, हर लोग ये जान गए कि नहीं, प्लास्टिक के कप में चाय नहीं पीना चाहिए, प्लास्टिक के कप में चाय पीने से कैंसर होता है, ये सारे लोगों को पता हो गया। इसीलिए लोगों ने प्लास्टिक के कप में चाय पीना बंद कर दिया और कप पीना किसमें शुरू कर दिए, पेपर का। लेकिन आपको पता है इस पेपर ग्लास में भी प्लास्टिक होता है? अभी तक आपको लग रहा होगा मैं तो पेपर ग्लास में पी रहा हूं, इसमें कहां से प्लास्टिक आएगा, ये तो कागज का है, ये तो डिकम्पोज हो जाता है, ये तो सड़ गल जाता है। लेकिन बता देता हूं, इस पेपर ग्लास में भी प्लास्टिक होता है, यही जो आपको कैंसर का कारण बन सकता है। प्लास्टिक गिलास जो आप खरीदते हैं, ये एक नॉर्मल सब बंडल होता है, नॉर्मल सब प्लास्टिक में आपको ये डाल कर रहता है। क्या किसी ब्रांड का नाम इसमें लिखा रहता है जो जनरली हम दुकानों पर पीते हैं? नहीं। हालांकि कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो बिल्कुल पेपर वाला बनाते हैं, उसमें प्लास्टिक नहीं होती है, लेकिन अमूमन चूंकि ये सस्ते मार्केट में मिल जाए, इसके लिए उसके लिए क्या किया जाता है, प्लास्टिक का इस्तेमाल। मैं आज आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगा कि कैसे उसमें प्लास्टिक है। देखिए मेरे पास कुछ यहां पर ग्लास है, आपको दिखाता हूं। ये देखिए पेपर ग्लास है, ये आप देख सकते हैं पेपर ग्लास है। प्रशांत यहां आ जाओ। ये तीनों आप देख सकते हैं पेपर ग्लास है। मैं एक पेपर ग्लास को आपको डायरेक्ट उदाहरण करके बताता हूं। पानी लाइए यहां पर, ये पानी है और ये देखिए इसमें पानी है, ठीक है। अब इस पानी को पकड़िए आप, खड़ा रहिए, इस पानी को मैं हाथ पे दीजिए, थोड़ा सा इस पानी को मैं थोड़ा इस पर डालता हूँ और थोड़ा सा इसका जो ऊपर का प्रिंट है, मैं धीरे धीरे आप घर में कीजिएगा और धीरे धीरे उसको रगड़ने का मैं क्या करता हूँ, काम करता हूँ। थोड़ा सा और पानी इसमें हम लोग डालेंगे, दीजिए, और फिर इसको रगड़ने का प्रयास करेंगे। आप रगड़ते रगड़ते देखेंगे, रब करना है इसको, बड़े प्रेम से अच्छे से रब करना है, क्योंकि इसमें इतना पतला प्लास्टिक होता है। अब आप देखिए, आपको पारदर्शिता रूप से कुछ दिख रहा है, ये देखिए मेरा ये उंगली और यहाँ देखिए उंगली दिख रहा है, ये बीच में अगर कागज होता तो आर पार नहीं दिखता, इसीलिए ये जो प्लास्टिक इसमें है। और इस प्लास्टिक का अगर हम लोग चाय पीने में इस्तेमाल कर रहे हैं, इस कप का चाय पीने में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि वो आपको कैंसर का कारण बन सकता है। इसलिए सारे लोगों से निवेदन है कि अगर आप कैंसर नामक बीमारी से बचना चाहते हैं, है ना, तो ऐसे कप का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। हाँ, बाजार में ब्रांडेड कप आ गए हैं, उन कपों का इस्तेमाल कीजिए, थोड़े वो महंगे होते हैं,
लेकिन मैंने आपको लाइव डेमो करके दिखा दिया, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि लोगों की स्वास्थ्य की बात है। मैं ऐसे ही वीडियो आपको अच्छी अच्छी टॉपिक्स पर बनाकर देते रहूँगा जो आपको आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसलिए तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, और मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।